विजयदशमी के मौके पर वर्षों से चली आ रही परंपरा शस्त्र पूजा का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया। पुलिस लाइन शस्त्रागार में पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव ने मंत्रोच्चार के साथ शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान एसपी कलेक्टर ने हर्ष फायर भी किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने अपने उपयोग में आने वाले शस्त्रों और वाहनों की पूजा की। विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा वर्षों से चली आ रही है। इस दौरान सबसे पहले शस्त्रों को लाइन में रखकर पूजा की, उसके बाद पौराणिक परंपरा का निर्वाह करते हुए हवन पूजन कर कद्दू काट कर एसपी ने बलि दी। इस मौके पर एसपी दीपक शुक्ला और कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने सभी को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी, साथ ही शांति से पर्व मनाने की अपील की। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। दशहरे का त्यौहार है और आज के दिन पुलिस लाइन में शस्त्रों की पूजा हुई है। दशहरे पर सत्य की हमेशा असत्य पर जीत होती है। मैं सभी लोगों को इस पावन पर्व पर दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और विदिशा जिले के सभी लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूं कि 17 नवंबर को एक महान पर्व है लोकतंत्र का, उस महान पर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, लाइन में आज कार्यक्रम रखे अपना। देखिए, आज विजयादशमी के पावन पर्व पर हम लोगों ने जो हमारा हर साल परंपरागत हम लोग शस्त्र पूजन करते हैं, अपने वाहनों का पूजन करते हैं और माता की आराधना करते हैं, अभी वो कार्यक्रम हमने अपनी पुलिस लाइन में संपादित किया, जिसमें जिला कलेक्टर समेत जिले के सभी अधिकारीगण सम्मिलित हुए। यहाँ पे हमने अपने शस्त्रों का पूजन किया जो परंपरागत तौर पे हम करते हैं हर वर्ष, वाहनों का पूजन किया और ईश्वर से प्रार्थना की शांति व्यवस्था बनी रहे, असत्य के ऊपर सत्य की विजय हमेशा होती रहे और सभी जो आगामी त्यौहार हैं वो सौहार्द के वातावरण में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।